नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव मशरूम में। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि इस चैनल में हम आपको मशरूम से संबंधित सारी जानकारी देते हैं। आज हमारा टॉपिक है मदर कल्चर। मदर कल्चर से हम मदर स्पान कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम आपको एक इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी देंगे। आप मदर कल्चर से मदर स्पान कैसे बनाएंगे, कल्चर से सब कल्चर कैसे बनाएंगे, ये सारे वीडियो हम एक ही सारे चीजें एक ही वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं। और इससे पहले आपको कुछ सावधानी बता दें कि काम करने से पहले हम वर्मिंग चैम्बर पर जैसे काम कर रहे हैं तो वी लाइट को बंद कर लेते हैं ना, और लेमिनार फ्लो चालू करके अपन काम करना शुरू कर देते हैं। यूवी लाइट हमेशा बंद ही रखें, कई सावधानी, और जितने भी कम पर्सन हो आपके इनोकुलेशन करते टाइम उतने अच्छे हैं ताकि कंटामिनेशन आपका ना हो। जैसे जितने ज्यादा पर्सन होंगे कंजर्वेशन से सारे बैक्टीरिया वायरस फंजाई आसपास वातावरण दूषित करते हैं, इसलिए वर्किंग एरिया में लिमिटेड पर्सन का ही होना जरूरी है। साथ में आप मास्क का यूज कर सकते हैं, इससे क्या है आपसी कंजर्वेशन में कंटामिनेशन ज्यादा ना फैले। तो चलिए आपको एक मदर स्पॉन बना के हम दिखाते हैं कि मदर कल्चर से मदर स्पॉन किस तरह से बनाया जाता है, और एक मदर कल्चर से सब कल्चर कैसे कर सकते हैं, है ना। चलिए आइए दोस्तों, आपको हमने पहले वीडियो में इंट्रोड्यूस कराया था हमारे शांति प्रकाश प्रधान जी हैं, जो काफी समय से मशरूम का व्यापार कर रहे हैं। ये आपको बताएंगे कि चैम्बर में किस तरह से काम किया जाता है, मदर कल्चर से सब कल्चर कैसे बनाते हैं, आपको कमर्शियल स्पान कैसे बनाते हैं, है ना, मदर स्पान कैसे बनाते हैं, ये सारी जानकारी आपको देंगे। शांति प्रकाश जी, हमें बताइए कि सब शुरू करते हैं काम करने के लिए तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। पहले तो सर, हम लोग ये जो रूम है, ये रूम पर हमें साफ सुथरा रहना चाहिए जी। और लेमिनर के अंदर जो काम करेंगे उससे पहले हम लोग का जो यूवी लाइट है, यूवी लाइट 15-20 मिनट चलेगा, फिर उसके बाद 10-15 मिनट बंद होगा, फिर जाके उसके अंदर हम लोग काम करेंगे। अभी जो हमारा ये प्लेट है, ये प्लेट हम लोग स्पीड से पोंछ के साफ करेंगे, फिर यहाँ जो ये जो स्पीड लैम्प जल रहा है वो लैम्प के जो फ्लेम एरिया जो निकलेगा, हम लोग मोटर लगाने के बाद जो फ्लेम का जो एरिया निकलेगा, फ्लेम जो बैंड होगा, तो बैंड का जो एरिया होगा उसी एरिया में हम लोग अभी काम करेंगे। उसी एरिया में जो बैंड होगा उसी में हम लोग ये जो है एक कल्चर से थोड़ा सा काट के ले जाएंगे और सब कल्चर बना देंगे। सब कल्चर से थोड़ा सा मतलब कुछ काट के हम लोग मदर में डाल देंगे, वो ग्रेन में डाल देंगे तो मदर हो जाएगा, और मदर का कुछ डाल देंगे दूसरा में डाल देंगे तो मदर का नीचे अगर बनाएंगे तो वह हो जाता है कमर्शियल। तो किसानों को जो दिया जाता है कमर्शियल ही दिया जाता है। इस प्रकार से देख रहे हैं हमारे पास एक मदर कल्चर है। तो आपने जो अभी पकड़ा था कौन से मशरूम का मदर कल्चर, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? सर, हमारा पेड़ी मशरूम का कल्चर है। आपने कौन से मीडिया पे ग्रो किया हुआ है इसको? ये सर पीडीएम मीडिया में ग्रो किया जाता है। पीडीएम मीडिया होता है आपका पोटैटो लैक्टो जगह, इसमें आपका 1 लीटर पानी में हमारा 250 ग्राम का स्लाइस पोटैटो लिया जाता है, 1 लीटर पानी में उसको उबाला जाता है। 1 लीटर पानी हम लोग बीकर में माप के उसको मेजरमेंट करते हैं और उसी में 250 ग्राम का आलू को बॉइल करते हैं। हमें एक पोटैटो लैक्टो अगार सामने से दिखाएंगे क्या, एक अगार को हमें बता के दिखाइए कि उस दिखता कैसे है और उसमें क्वालिटी कैसी है? सर, ये पीडीएम मीडिया का बना हुआ है, मतलब हमारा मीडिया है, अभी हम लोग इसी के अंदर मतलब कल्चर को डालेंगे। यह बना हुआ है आपका पीडीएम मतलब पोटैटो लैक्टो अगार, इसमें बना हुआ है। पीडीएम मीडिया को हम लोग मतलब मिक्स करके उसका जो सोल्यूशन बनता है वो सोल्यूशन हम लोग बोतल या फिर टेस्ट ट्यूब में डाल के उसको ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेव करने के बाद जब उसको सुला देते हैं तो वो स्लांट बन जाता है। स्लांट पोजिशन में रखने से इसका जो सोल्यूशन रहता है उसका दीवार में चिपक जाता है। दीवार में ठंडा होने के बाद दीवार में वो मतलब चिपक के रह जाता है, तो उसी में हम लोग अभी उसको मीडिया को छोड़ेंगे। सबसे पहले हमें आप एक सब कल्चर करके दिखाएंगे। अभी मटर को हम लोग चला देते हैं, मटर को लगा देते हैं। और जैसे शांति प्रकाश जी ने बताया कि फ्लेम का जो डायरेक्शन है ना, जो फ्लेम जो अपना उड़ रहा है उसी एरिया में ही काम करना है।
जैसे आपको स्टेप बाई आपको बताएंगे, देखिए वो किस तरह से अपना तैयारी कर रहे हैं। आप जिस तरह फ्लेम के पास ही वो अपना कल्चर का कॉटन प्लग को खोल रहे हैं और उसके सामने ही वो वर्क कर रहे हैं ताकि इसके आसपास जो कंटामिनेशन हो वो ना रहे। और देखिए उनके हाथ में एक इनोकुलेशन लूप है, जैसे हम देखते हैं किस तरह से कल्चर जो मदर कल्चर हमने बनाया है उसका बाइट लेके किस तरह से दूसरे मीडिया में ट्रांसफर करते हैं। इस तरह से हमने बाइट लिया और दूसरे पोटेटो इन्फेक्शन अगार में लेके इस तरह से फ्लेम के पास ही इसको ट्रांसफर कर लेते हैं और इसको एक जगह फिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हमारा इनोकुलेशन तैयार हो गया, यानी अपना सब कल्चर तैयार हो गया है। अब हम इसको उचित तापमान पे रख सकते हैं ताकि ये वृद्धि कर जाए। इसको लगभग हम लोग 25 से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड से रख देते हैं। इस तरह चाहें तो सारे बोटलों को हम इनोकुलेट कर सकते हैं। अब मदर स्पैन बनाने की बात है, जो इस तरह से अच्छी तरह से हमारा ऑटोक्लेव किया हुआ जो गेहूँ का बीज था उसमें हम फिर से एक मदर कल्चर किए हुए फोटोग्राफर में मदर कल्चर जो बना हुआ है इसको लेके ऑटो प्लेट किए हुए सबस्ट्रेट गेहूं हमारा जो है इसमें इनोकुलेट कर देते हैं। कॉटन प्लग लगा देते हैं और लगाने के बाद उसको थोड़ा हिला के अपन अंदर कर देते हैं या फिर सरफेस पे भी रहेगा तो भी ग्रो कर जाएगा, पर जहाँ तक हो सके उसको अंदर लेने का प्रयास करते हैं। ये हमारा मदर स्पॉन तैयार हो गया है ना। अब देखा जाए कि मदर स्पॉन से हम कमर्शियल स्पॉन कैसे बनाते हैं। अब हमने लूप का यूज किया था इनोकुलेशन लूप का, अब ये मदर स्पॉन जो है तो बीज है वो बन ही चुका है, तो इस स्पॉन को हम लोग कमर्शियल स्पॉन बनाने के लिए यूज करते हैं। हमारे हाथों में अभी जो है वो मदर स्पॉन है। इस मदर स्पॉन को देखिए फ्लेम के एरिया के आसपास ही काम किया जाता है। इस तरह से हमने लूप पहले गर्म किया और कुछ उसमें से बाइट लिए बाइट को सबस्ट्रेट जो हमने बनाया हुआ है उसमें इनोकुलेट कर देते हैं। कुछ बीज गेहूं के जो बीज हैं उसको इस तरह से ट्रांसफर कर देते हैं। ये हमारा इनोकुलेशन तैयार हो गया। अब इसको अच्छी तरह से टाइट करके यानी ला के ऊपर रख देते हैं ताकि वो चारों तरफ फैल जाए। तो हमने आपको दिखाया एक बोतल इनोकुलेट करके, सेम उसी प्रक्रिया में सारे बोतलों को इनोकुलेट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हमारा कमर्शियल स्पॉन तैयार हो गया है ना। तो चलिए आइए हम शांति प्रकाश जी से कुछ बातें जानना चाहते हैं कि जो हमने इनोकुलेट किया है इसको किस टेम्परेचर पर रखना है और कितने देरी तक, कितने दिनों तक रखना है, खुद भी कब तक ग्रो कर जाएगा मार्केट में बेचने के लिए। तो शांति प्रकाश जी हमें बताइए जो हमने सब कल्चर किया वो कितने दिन में ग्रो करेगा? ये सब कल्चर आपका 8 से 10 दिन में ग्रोथ आ जाएगा। और इसके लिए टेम्परेचर हम कितना रखेंगे? टेम्परेचर हम लोग रखेंगे 26 डिग्री 27 मैक्सिमम 28 25 से 28 मान लीजिए। और जिस प्रकार से हमने मदर स्पॉन को कमर्शियल स्पॉन बनाने के लिए इनोकुलेट किया तो ये इनोकुलेट के लिए भी टेम्परेचर सेम ही रहेगा? सेम टेम्परेचर। और ये आपका ये भी आपका 10 दिन 11 दिन में हो गया आपका मतलब मशरूम चारों तरफ फैल जाएगा।
तो देखा दोस्तों हम कितने अच्छी तरह से हमें सात्विक प्रकाश जी ने अपना कल्चर करके हमें बताया। तो आप सभी को तो देखिए दोस्तों हमने किस तरह से आपको मदर कल्चर, सब कल्चर और उससे मदर स्पान से कमर्शियल स्पान बनाना बताया। अगर आप सभी को मदर कल्चर की जरूरत है या फिर आपको पीडीएफ मीडिया की जरूरत है या फिर मशरूम स्पान की जरूरत है तो हमारे लिंक में नीचे जाके आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं या हमारे साइट पे भी डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। और इससे संबंधित और भी कोई जानकारी है तो हमें कमेंट करें, हमें डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हैं। तो क्रिएटिव मशरूम में आप सभी का धन्यवाद, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।